भाई को बोलो लोकेशन भेजिए, वहां पे मिले, सीलिंग पे ना घूमे, सीलिंग पे मुंबई दर्शन अगर देखना है तो मेरे को बोलो, बस के टिकट कराता हूँ भाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि धगे सर रजत दलाल के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है कि ये कंट्रोवर्सी काफी आगे तक जा सकती है, और ऐसा ही कुछ हमें फाइनली देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि रजत दलाल धगे से मिलने के लिए जा रहे हैं और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रजत दलाल ने ये वाली पोस्ट डाली थी, तो आप लोग देखिए। और इसी पोस्ट को देखते हुए धगे ने भी इस पर रिप्लाई देते हुए कहा कि खानी है क्या, उसके बाद से धगे ने एक वीडियो डाली जिसकी वीडियो क्लिप आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए तो अपने पैरों तो समय इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई को बोलो लोकेशन भेजिए, वहां पे मिले, सीलिंग पे ना घूमे, सीलिंग पे मुंबई दर्शन अगर देखना है तो मेरे को बोलो, बस के टिकट कराता हूँ भाई, वो लोग घुमाएंगे मस्त मुंबई दर्शन। और ये जो एक सीलिंग पे तू भगा रहा है ना गाड़ी भाई, एक स्पीड लिमिट होता है यहाँ पे ना, डंडे पड़ते हैं, ये फरीदाबाद नहीं है, यहाँ पे कैसे भी गाड़ी भगा रहे हैं पकड़ेंगे ना, बहुत मारेंगे भाई, ठीक है। दूसरी बात भाई, ये आदमी ऑनेस्टली ठीक है, खुद तो मरेगा मरेगा फर्क नहीं पड़ता है, किसी और को भी मारेगा, उसी गाड़ी की स्पीड देखो क्या है, समाज के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसान वाला आदमी है ये। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कि फाइनली थगेस ने रजत दलाल को काफी अच्छा रिप्लाई दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद हमें यह देखने को मिलता है कि थगेस हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद थगेस की तरफ से हमें एक पोस्ट देखने को मिला जिसके अंदर थगेस ने यह बताया कि आज 12 बजे एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर थगेस बताएंगे कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हुआ था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर इस कंट्रोवर्सी पर आप लोगों का क्या कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी मस्त और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।